अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कुर्ता कटिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। शर्ट की लंबाई लेंगे 39 इंच, वेस्ट की चौड़ाई लेंगे 8.5 इंच प्लस 1.5 इंच माय कर लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच। गले की लंबाई लेंगे 4.5 इंच। बैक के गले की लेंगे 5.5 इंच। आधे इंच का शेप लेंगे। शोल्डर लेंगे 3.25। या 3.5 लेना है। आधे इंच का शेप हमेशा लेना चाहिए शोल्डर में, जिसके शर्ट जो है तो ढलता नहीं और अच्छे से शर्ट की फिटिंग वगैरह सब बैठती है। आर्म और लेंगे 6.5 इंच। डेढ़ इंच का शेप लेंगे। अंदर के लिए 1/2 इंच। ऊपर से 10 इंच पे फिटिंग लेंगे। यहाँ अगर 8.5 हो तो यहाँ पर हमें 8 इंच लेना है। आर्म और से नीचे 13 पे चौक लेंगे। शर्ट की लंबाई का तीसरा हिस्सा चौक की ले लेते हैं 13 इंच। यहाँ से निशान को मिलाएंगे हम। मोर से नीचे 13 पे चौक लेंगे। शर्ट की लंबाई का तीसरा हिस्सा चौक की ले लेते हैं 13 इंच। यहाँ से निशान को मिलाएंगे हम। ये दोनों निशान को अच्छी तरह से मिला लीजिए। यहाँ से दामन कर लीजिए चौड़ाई 12 इंच। फिर चौक से नीचे टेप रखकर ये दोनों निशानों को मिला लीजिए। ये हो गई शर्ट कटिंग। अब हम लेंगे स्टिंग की कटिंग। स्टिंग के लिए सत्रह इंच की लंबाई लेंगे। बॉटम 5.5 लेंगे। चौड़ाई जो है सो 9 इंच लेंगे।
तीन इंच का शेप देंगे हम इसको, तीन या ढाई इंच आप दे सकते हैं। गोलाई मिलेंगे, फिर बॉटम से निशान को हमको मिलाना है अच्छी तरह से। आसानी से हमने शर्ट और अस्तिंग की कटिंग कर ली। प्लीज़ व्यूअर्स, आपको हमारी कटिंग पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।